हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी तिवारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कुछ हेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेयर से जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स होते हैं, हेयर ब्रेकआउट्स होते हैं, एंड स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ईची हो जाता है, हेयर का ग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हेयर में। ओके, तो इस प्रॉब्लम का निजात हम लोग होम रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडी को जो है ना वो इफेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके, तो इसलिए ना मैं आज लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ, एक नहीं दो दो प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ। एक ऐसा ब्रांड है जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इनके प्रोडक्ट्स हैं एंड मुझे विजिबल रिजल्ट मिले हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये इतने सारे मेरे बेबी हेयर है ना, ये सभी इसी प्रोडक्ट की बदौलत आए हुए हैं एंड मैंने ना इन्हें रिपर्चेस किया हुआ है। ओके, तो चलो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट बताती हूँ। ये है MNT का बताना शैम्पू एंड रोजमेरी शैम्पू। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है गाइस, सच में। बताना वाला जो शैम्पू है ना, ये जो बताना का जो शैम्पू है इसका ऑयल भी आता है, एंड रोजमेरी वाला जो शैम्पू इसका भी ऑयल आता है, रोजमेरी ऑयल। ओके, बट मैंने शैम्पू ही लिया है क्योंकि ऑयल तो मैं घर में बना लेती हूँ। ओके, एंड ये जो शैम्पूस है ना, ये दोनों ये आप लोगों के हेयर के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं एंड जितने भी हेयर की प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है। तो चलो एक के बाद एक मैं आप लोगों को इनका डिटेल्स देती हूँ ताकि आप लोग भी इसे बाय कर सकोगे। ओके, तो सबसे पहला है ये MNT का बताना शैम्पू। ये आप लोगों का आइडल है हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। इनरिच विद बताना एंड नेगेला स्टेविया। ओके, एंड ये 100% ना बिल्कुल भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। ओके, 100% वीगन प्रोडक्ट है एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट है। ओके, एंड बहुत ही अच्छा है। इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाती है। इसकी क्वांटिटी मिल जाती है आप लोगों को 300 ml की, तो आप लोग इसे आसानी से ना 1 से 3 महीना तो यूज़ कर ही सकते हो। ओके, एंड इसे ओपन नहीं किया हुआ है, मेरे दो और रखे हुए हैं प्रोडक्ट क्योंकि वो अभी ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ओके, एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस ना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है मुझे। इसमें प्राइस लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें जितना प्राइस लिखा है ना उससे ना 150 ना कम ही में मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें प्राइस हमारा लिखा हुआ है 438, आई थिंक, हाँ 438 कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 300 में या फिर अराउंड ना 250 rupees में ये मिल गया है। पैकेट तो मैंने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, लेकिन ये वाला जो शैम्पू है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, सच बताऊँ तो। एंड इसके जो बेनिफिट है मैं बता देती हूँ। ये ज़्यादातर ना आप लोगों के स्कैल्प को ना इचने से बचाता है, प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को और हेयर ग्रोथ को। तो ये वाला जो शैम्पू है आप लोग रोज़ाना तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी रोजमेरी, आप लोगों को पता होगा कि जो रोजमेरी होता है ना वो हेयर के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। ओके, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़, इसमें ना बताना के साथ साथ मैंने मेथी दाना का भी गुड़ दिया है एंड ये रोजमेरी वाले में भी मेथी दाने का गुड़ दिया हुआ है। मेथी भी ना आप लोगों के हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड आप लोगों के हेयर को ग्रोथ करता है। ओके, तो इसमें रोजमेरी की गुडनेस है, यही आप लोगों को 300 ml का मिल जाता है। यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ बाल धोना है भाई, नॉर्मली आप लोगों जैसे बाल धोते हैं। ओके, एंड इसका प्राइस है 380 rupees का एंड ये भी आप लोगों को 250 rupees में मिल जाएंगे एंड कभी कभी सेल भी चलते रहता है तो उसमें और भी ज़्यादा कम में मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वान्टिटी में मिला हुआ है, ये देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग भी है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड रोजमेरी का मैं आप लोगों को गुण बता देती हूँ, ये भी सेम है, प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को एंड हेयर ग्रोथ को। एंड ज़्यादातर ना आप लोगों को ये वाला जो शैम्पू है ना डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। लाइक कोई कोई जो होते हैं ना डायरेक्ट शैम्पू हथेली पर लेते हैं, ऐसे करते हैं और सीधा रब कर देते हैं, वैसे आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, आप लोग कैसे यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेना चाहिए, उसमें शैम्पू डालना चाहिए, अच्छे से मिक्स करना चाहिए, उसके बाद अपने हेयर पर डालना चाहिए, ऐसे यूज़ करना चाहिए। बाकी हाँ, ये शैम्पू आप लोगों को ज़रूर से लेना चाहिए। ओके, एंड ये देख सकते हो। एंड अगर ये वाले शैम्पू का ना आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए ना तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पेज को फॉलो जरूर कर लेना। ओके, एंड बाकी आप लोग इसे यूज़ कर लोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे तो आप लोग देख सकते हो गाइस बेबी हेयर कितने ज़्यादा हो गए हैं, ये देख सकते हो। ओके, ये जितने आए हुए हैं ना ये सभी ये रोजमेरी एंड बताना शैम्पू की बदौलत ही आए हुए हैं। 3 महीने तक मैंने इसे यूज़ किया गाइस, सभी मुझे ऐसा हेयर रिसीव हुआ है, क्योंकि भाई साहब ये देख सकते हो पहले भी ना मेरे यहाँ पर कुछ इस तरीके के थे, लेकिन ये भी अब भरने लग गए हैं, बाल आने चालू हो गए हैं, बहुत सारे बेबी हेयर आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये देख सकते हो। ओके, तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ करना बेबी हेयर के लिए, ग्रोथ के लिए हेयर का, एंड ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए मैं और भी वीडियोस बना चुकी हूँ तो आप लोग भी वो देख सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड साथ ही साथ ना वीडियोज़ को देख भी लीजिए, पूरा का पूरा एक बार और रिपीट कर लीजिए एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।